नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत कर प्रथम हेडलाइंस जस्टिस एन भी रमना हे देश परवर्त सीजेआई कलेजियम सुपारिश को राष्ट्रपति मोहर आसंता 24 रु दायित्व ग्रहण करेंगे जस्टिस एन भी रमना बीजेपी प्रतिष्ठा दिवस में विरोधी बर्षे प्रधानमंत्री दलर मिशन निर्वाचन नुहे लोकों हृदय जितना वरिष्ठ अवदान को मन पकाइले मोदी भुवनेश्वर सिलिकॉन शिक्षा अनुष्ठान को सिल कला बीएमसी कोविड कटकणा उल्लंघन अभियोग रे परवर्ती आदेश जाए सिल एपटे पुरी रे पांच राज्य पर्यटकों कटकणा प्रवेश 72 घंटे आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक राज्य में डराउछि कोरोना स्थिति गत 24 घंटे 588 पॉजिटिव खोर्धार सर्वाधिक 105 आक्रांत आज कोरोना स्थिति ने राज्य स्वास्थ्य मंत्री केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री बैठक काम बेले लोड़ा एबे तड़ा बिना नोटिस एसीबी रु कोविड ड्यूटी रे थिबा स्वास्थ्यकर्मी को छटेई प्रतिवाद जणाई धारणा रे बसिले कोरोना योद्धा बड़म्बा भगतपुर और बुढ़ापंक गाँ मध्य गोष्ठी संघर्ष गुड़ माड़े दुई मृत 10 रु अधिक आहत मुंडिया जमी को नहीं दुई गाँ मध्य लगि रही बिवाद शेषे विधानसभा निर्वाचन को नहीं सरगरम पांच राज्य 475 आसन में भोटिंग जारी पश्चिमबंग 31 और आसाम 40 आसन पर भाग्य निर्धारण संवेदनशील आसन में 144 धारा लागू एथर संपूर्ण खबर जस्टिस एन भी रमना हे देश परवर्त सीजेआई सुप्रीमकोर्टर मुख्य विचारपति हे जस्टिस रमना कलेजियम सुपारिश को मोहर मारी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आसंता 24 रु दायित्व ग्रहण करेंगे जस्टिस एन भी रमना 27 अगस्त 1957 आंध्रप्रदेश एक कृषक परिवार रे जन्मग्रहण करते रमना आंध्र और दिल्ली हाइकोर्टर मुख्य विचारपति रही रमना राज्यर द्वितीय व्यक्ति भाव यह सम्मानजनक पदवी में बसवाक जाते विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में राय दे रमना सीजेआई एस ए बोबेड़े दायित्व ग्रहण करेंगे भारतीय जनता पार्टी 41वां प्रतिष्ठा दिवस अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारा देश में बीजेपी दलय कर्मी को संबोधित करते प्रधानमंत्री कहते आज दलर 41 वर्ष गौरवमय यात्रा समाप्त होवा और निष्ठा सहित एक दल किपर कार्य कै 41 वर्ष यार साक्षी अटे से कहते आमर कार्यशैली हूँ जे आमे कहाँ ठारु दूरेई जाउनाहु आमे समस्तों का आवश्यकता उपरे संवेदनशील भाव में कार्य करुछु एहा सह प्रधानमंत्री कृषकों प्रसंग उठाई कहिछंती जे क्षुद्र कृषक माने पूर्व सरकार प्राथमिकता देइनाहंती किंतु क्षुद्र चाषी उन्नति पाई आमे सरकार अनेक नूतन कार्यक्रम आरंभ करथिले एही क्रम रे से फसल बीमा योजना अंत्योदय योजना इत्यादि विषय उल्लेख करिछंती राज्य बीजेपी कार्यालय रे पालित हो जाइछि दलर प्रतिष्ठा दिवस 1980 मसीहारु प्रतिष्ठा दिवस पालन करि आसुछि एही अवसर रे पार्टी कार्यालय रे पार्टी पताका उत्तोलन करा जाइथिला पताका उत्तोलन परे प्रधानमंत्री को वार्ता सुनिथिले सब नेता और कर्मी राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता गणतंत्र मूल्यबोध भित्तिक राजनीति गांधीवाद दृष्टिकोण उपरे आधारित सामाजिक आर्थिक समता सकारात्मक पंथा निरपेक्षता को फोकस करुछि बीजेपी पार्टी पई बहु कर्मी निज जीवन को उत्सर्ग आज बीजेपी बहु आग को आसीपारी ओडावासी भल पाइबा मिली सब ओडिया न्याय मिली समीर महांती राज्य सह प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार और संबित पात्र एवं समस्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 4.5 कोटी लोक शुभेच्छा जनाऊँगी भारतीय जनता पार्टी को जो भाई भाव में ओडिशार जनसमर्थन मिलुची ये उत्साहजनक एवं आ फल उत्कल जननीर सेवा करने आम को समस्त को एक सुजोग प्रदान करी एवं आमर जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हूँ पूर्वतन प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हूँ से मानकर जुगांतकारी देशोपयोगी जो योजना गुड़िक कार्यकारी फल समग्र भारत बर्ष आज विश्व एक सौभाग्य एक शक्तिशाली राष्ट्र भाव विश्ववासी आगे निजक प्रस्तुत करम समस्त को गर्व करुच्ची भारतीय जनता पार्टी जो मूल विचार नेशन फास्ट देन पार्टी देन सेल्फ ये प्रमाणित कर
आगामी दिन में जनता ओडिशावासी जनसमर्थन पाइले निश्चित रूपे ओडिशा को एक एक नंबर राज्य करी पूर्व भारत रे प्रतिष्ठा करने आज दिन में समस्त कर्मकर्ता मान ये संकल्पर दिन हो आशा कर आज हेउछि भारतीय जनता पार्टी 41तम प्रतिष्ठा दिवस। रायगड़ा जिला गुणपुर बीजेपी शाखा पक्षर कोविड नियम अनुजाई प्रतिष्ठा दिवस पालन करा जाइछि। पंडित दीनदयाल आदर्श वाजपेयी चिंताधारा तथा भारत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकासधारा कार्यक्रम को प्रत्येक घरे घरे किभली पहुंचा जाय परिप से आलोचना करा जाइछि। सर्वभारतीय स्तर में तार 41तम प्रतिष्ठा दिवस पालन करुच्ची। माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो मंत्र से मंत्र को आधार कर भारतीय जनता पार्टी प्रगति पथे आगे चलने को समस्त कार्यकर्ता मान समस्त कर्मी मान अनुरोध करतीश्रुति नहीं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ये जो अच्छी नारा यही नारा को धरी भारतीय जनता पार्टी आगामी दिन में गुणपुर सहर से बूथ स्तर एवं वार्ड स्तर ठू आरंभ करके प्रत्येक घर घरे लोकप्रिय जो प्रधानमंत्री जो जनहित कार्यक्रम को आम उजाला योजना द्वारा आरंभ कर सुकन्या योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना यही जो कार्यक्रम रही प्रधानमंत्री मातृमंगल योजना ये सब योजना को लेकिन आम लोकों पाखे आगामी दिन में पहुंचे। जाजपुर जिला बीजेपी पार्टी कार्यालय में आज 41तम प्रतिष्ठा दिवस पालित होई छे। अवसर में जाजपुर निर्वाचन मंडल तुंग नेता एवं कर्मी माने प्रतिष्ठा दिवस पालन करिछंती। मोदी सरकार को योजना गुड़िक किभली लोकों पाखे पहुंचा जाय परिबो सेने आलोचना करा जायथिला। आज पार्टी 41तम प्रतिष्ठा दिवस एमें समस्त शपथ ग्रहण करूँ आगामी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जी दीनदयाल उपाध्याय स्वर्गत भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व में आंक त्यागर आंक तपस्या आंक बलिदान जो भारतीय जनता पार्टी गठन होती आज 41 वर्ष धरी तो ता नेतृत्व में समग्र भारत वर्ष रे कुमारिकाटा हिमालय प्रांत समग्र विश्व एक सर्वबृहत गणतांत्रिक दल भाव निजी प्रतिष्ठित करी से आदर्श से मार्ग से आम सब कार्यकर्ता को सब समर्थक मान को परिचालित आगामी 2022 मसीहा पंचायत निर्वाचन एवं 2024 मसीहा साधारण निर्वाचन को आम अति सठिक भाव में मुकाबला करें विश्वास। आसवा कोरोना संपर्कित खबर को राजधानी रे कोरोना संक्रमण व्यापुवा बेले विभिन्न शिक्षा अनुष्ठान रेड करुच्छे बीएमसी। कोविड नियम उल्लंघन अभियोग सिल हो भुवनेश्वर थिबा सिलिकन इंस्टीट्यूट बीएमसी आज सिल करिछि। परवर्ती निर्देशनामा पर्यंत सिलिकन बंद रहिबो। कोविड कटकणा उल्लंघन नै पूर्वरु सिलिकन को कारण दर्शाओ नोटिस जारी करथिला बीएमसी। कर्तृपक्ष संतोषजनक उत्तर दे पारनथिले एहा परे कार्यानुष्ठान नैछि बीएमसी। काली जो सरप्राइज चेकिंग करते जन जोनाल डेप्युटी कमिशनर टीम जो स्क्वाड आसते किसी पाइली क्लास रे बिना मास्क रे बिना सोशल डिस्टेंस रे क्लास चलता का शोकेस नोटिस इश्यू होता आज सिल करने अर्डर मिलला जे डी सी पठेले आम सिल कर गलु तो मुझेपर आमको सात दिन प्राय सिल करपर का आम चेकिंग भी स्टार्ट हो पिला जो हॉस्टल रही चेकिंग स्टार्ट हो पॉजिटिव ना पॉजिटिव पॉजिटिव किसी ना केस ना कोविड गाइडलाइन को उल्लंघन हाँ कोविड हाँ हॉस्टल खोला रही कहीं पिला अच्छा टेस्टिंग टेस्टिंग हम राज्य में चिंताजनक स्थित रे कोविड संक्रमण आज भी 500 ऊपर आक्रांत। राज्य में गत 24 घंटा रे 588 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होती क्वारंटीन 342 और लोकाल केस 246 रही। खोर्धार सर्वाधिक 105 आक्रांत चिन्हट होती। सुंदरगढ़ 84 कलाहांडी 64 झारसुगुड़ा 31 पॉजिटिव बाहरी कटक 30 बरगड़ 21 जाजपुर 15 पुरी 24 गंजाम 27 बालेश्वर 13 बलांगीर सुवर्णपुर 11 लेखाएं पॉजिटिव चिन्हट होती। गत 24 घंटे 25005 जन नमूना संग्रह कर
होटल आसोसिएशन सहित कोरोना कटकणा नहीं जिला प्रशासन बैठक पांचटी राज्य आसुवा पर्यटकों पर कोविड टेस्ट बाध्यतामूलक पांचटी राज्य जथा छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश केरल पंजाब महाराष्ट्र राज्य पर्यटकों पर कटकणा होस्तरी घंटा पूर्व कोविड नेगेटिव रिपोर्ट थे मिल होटेल प्रवेश व्यवस्था पर्यटक टीका नहीं लागू होबनी कटकणा कटकणा भांगुवा होटेल विरुद्ध नियाजिब कार्यानुष्ठान एने सूचना देखते पूरी जिलापाल समर्थ वर्मा देशरे बढ़ुथिबा कोविड स्थिति को नहीं आज समस्त राज्य में स्वास्थ्य मंत्री आलोचना करेंगे केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन संध्या 6:30 में वीसी जरिया हेब बैठक विभिन्न राज्यर स्थिति और यार पदक्षेप विषय में विस्तृत भाव आलोचना करा विशेषकर संक्रमण बढ़ुवा 11 राज्य उपरे आलोचना करा संक्रमण ह्रास करबा नहीं प्रस्तुत करा एक रोडमैप पूर्ण कोविड हेल्थ सेंटर खोलिबा को अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव को चिट्ठी लिखिले गंजाम जिलापाल राज्य में कोविड संक्रमण वृद्धि को देखि गंजाम जिला प्रशासन आगुआ सजग जिलार कोविड हेल्थ सेंटर खोलिबा को अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव को चिट्ठी लिखिले गंजाम जिलापाल जिलार 6 स्थान में मोट 350 बेड विशिष्ट कोविड हेल्थ सेंटर खोलिबा को चिट्ठी उल्लेख रही ब्रह्मपुर हिंजिलिकाटू भंजनगर और आसिका डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर खोलिबा को जिलापाल चिट्ठी उल्लेख कर आशा परवर्ती खबर को गाँ पाख मुंडिया जमी को नहीं दुई गाँव में बिवाद आठगड़ बड़म्बा ब्लक भगतपुर बुढ़ापंक गाँव मध्य दीर्घ दिन हम यह जमी को नहीं बिवाद लग रही बेले आज यह गोष्ठी संघर्ष रूप नहीं गोष्ठी संघर्ष में बोमामाड़ गुड़माड़ दुई जनकर मृत्यु होता बेले 10 अधिक लोके आहत होती आहत मान प्रथम माणियाबंधे चिकित्सा करवा कटक एसीबी को स्थानातर कर गाँव में उत्तेजना लग रही ग्रामवासी मृतदेह रखी धारणा देखते उभय गाँव में उत्तेजना लग रही पुलिस मुतयन कर एससीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे कोरोना ड्यूटी नियोजित 250 स्वास्थ्यकर्मी को बिना नोटिस छटेई करी देले मेडिकल कर्तृपक्ष एथिरे 201 जन स्टाफ नर्स और 50 जन फार्मासिस्ट सामिल अच्छा एमाने गत वर्ष मार्च मासरु एससीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे कोरोना ड्यूटी नियोजित थिले प्रथम 3 मास कार्यरे रखिथिले पुणी 1 वर्ष वृद्धि करी कार्य नियोजित कले हेले वर्तमान बिना किछ नोटिस 250 जन स्वास्थ्यकर्मी को छटेई करी देले जहाँ को विरोध करी मेडिकल अधीक्षक कार्यालय सम्मुखें धारणा में बसिछंती स्वास्थ्यकर्मी खरा दिन आरंभ जलकष्ट नयागढ़ जिला नुआगाम ब्लक गातेरी पंचायत अंतर्गत भालियापदर गाँव में पीवा पापाई लोके समस्या रो सम्मुखीन होती गाँव प्राय 70 परिवार कौन सी कूँ कि नलकूपर व्यवस्था नथिबा बेले एकमात्र सोलार वाटर प्रोजेक्ट उपरे निर्भर करुछंती ग्रामवासी तबे एही वाटर प्रोजेक्ट सठिक भाव काम करूना फल मुंदाए पापाई लोके समस्या सम्मुखीन होती एने विभाग अधिकारी कहते कौन सुफल मिलूनी आगामी दिन में समस्या समाधान करानगले स्थानीय लोके धारणा को ओल्लैवाक चेतावनी देखते पाणीपी बड़ असुविधा होनी खरा दिन ए बर्ष खरा दिन किए कुआ आसे गोटे पा टे पी बहुत असुविधा लगुच पाटे भी आसिले भी पा टे बाहर गरम तुच्छा घर को जाऊ गंडगोल हो झीरे झीरे आम गोटे नलकू अच्छी पानी सुविधा आउ किसी ना ये गोटे ट्यूबवेल को आम अपेक्षा करी लाइन लगाऊ पा नापी तेणुक आमर टे ये करूँ आ हाँ है अभोग वर्धित विद्युत देय प्रत्याहार प्रतिवाद रे कांग्रेस रो धारणा बड़चणा कांग्रेस कमिटी रो नेता और बड़चणा कांग्रेस विधायक पार्थी श्रीजुक्त अजय सामल को नेतृत्व में बड़चणा विद्युत उपखंड अधिकारी और कनिष्ठ जंत्री कार्यालय सम्मुखें कर्मी माने विक्षोभ प्रदर्शन करिछंति कोविड समय रे विद्युत बिल यूनिट पिछा 20 पैसा वृद्धि एवं एबे नूतन करी यूनिट पिछा 30 पैसा वृद्धि को तीव्र विरोध समालोचना करबा सह राज्यपाल उद्देश्य रे कांग्रेस पक्षरु दाबीपत्र प्रदान करा जायछि ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति श्री निरंजन पटनायक आह्वान क्रमे बड़चणा कांग्रेस
बड़चणा विद्युत उपखंड अधिकारी कार्यालय सम्मुखें आज धारणा दौर प्रतिवाद सभा करुच्ची विक्षोभ प्रदर्शन करुच्ची एवं महामहिम राज्यपाल उद्देश्य दाबीपत्र प्रदान कर जो निकट अतीत विद्युत यूनिट पिछा जो 30 पैसा वृद्धि पाई यह अगणतांत्रिक अजौक्तिक विरोध विष पीले प्रेमी जुगल केन्दुझर तेलकोई थाना अंतर्गत गोलबंध गाँव घटी एभली अभावनीय घटना विष पी प्रेमिकर मृत्यु होता बेले प्रेमिका जनक गुरुतर हो पड़ते पर लोके बह अराजी होवर उभय जीवन हार उद्यम कर खबर पाई पुलिस एक मामला रुजु करने तदंत आरंभ कर ढेंकानाल जिला कामाख्यानगर थाना आलतुमा गाँव कुओ खोलुथिबा बेले अघटन अतड़ा तले चापी होई श्रमिकंकर मृत्यु मृतक होउछंती दिगुड़िया साहिर धूलिया मलिक पांच जन श्रमिक माटी खोलिबा को आसीथिबा बेले हठात अतड़ा खसीथिला तबे सेमाने माटी तले चापी होई पड़िथिले तबे जणंकर मृत्यु होइथिबा बेले अन्यमानंकु उद्धार करा जाइछि घटनास्थल रे कामाख्यानगर पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करछि पाँच जन आज आसते कौट सका कू खोलिया कू भी पुणा को आम खोलू पा सुखीगला जो बैशाख मस तलू फुटे खोलिक नंद गलू नंद गड़िया भितर आज बाली उपर धसका मारिकी फुटे जड़े भितर पशे आम चार जन उपर थी किए भर पशे दूलेन्द्र मल्लिक कौन कर खोलु बाहर कर पिको व्यान ओलटी 10 यात्री आहत गंजाम जिला दिगपहंडी निकट बालेश्वर घाटी में घटी दुर्घटना दिगपहंडी ब्लॉक अंतर्गत बी तुरुबुड़ी पंचायत पर्वत शिखर को जाता बेले गाड़ी भारस्याम हर ओलटी पड़ता आहत को उद्धार कर मेडिकल भर्ती आहत दुईज अवस्था गुरुतर रही हु जलिला जंगल जलीपुड़ी पाउँश होगला छोट बड़ गछ सह कीटबंधक विपदे जंगली जंतु और गाँ सहर मुहां बन्यजंतु फल केतेबेले मनुष्यर जीवन जाऊँ तो केतेबेले बन्या जंतुंकर भय आशंकरे जंगल सीमावर्ती ग्रामवासी नीलगिरी देखिबा आमर एही स्पेशल रिपोर्ट जनबसती मुहां होउछंती जंगली जीवजंतु जीवजंतु आक्रमण शिकार होउछंती निरीह आदिवासी तो एने स्थिति परगिथिला अर्गस टीम जाई पहुँची था सुन्नचोड़ पहाड़ उपरे आसतु देखा कहीं जनबसी मुहां होती ए जंगली जीवजंतु निया आरे तीनकोशिया संरक्षित जंगल और कूलडिया अभयारण्य आबे विपदर जंगल सीमांत गाँ किद धरी नीलगिरी वन विभाग अधीन तीनकोशिया संरक्षित जंगल जलुवा देखा जा सजनागड़ भालुकोशिया नरणपुर तेरलडी वैष्णवबंद और सालबणी एकर एकर जंगल रे निया लागी मूल्यवान गछ पोड़ी पाउँश हो जाइछि वन विभाग और दमकल बाहिनी निया को आयत्त करी चुप बसुचु हाथी भालू मयूर और साप निया भयरे एबे गाँ मुहां होउछंती छोट बड़ सरीसृप प्राणी ठेकुआ बिलुआ कटाश और छोट जीवजंतु नियारे पोड़ी पाउँश हो जाइथुवा कुआ जाउछि निया प्रकोपरे पाख गाँवें झांजी पवन में ग्रामवासी अतिष्ठ हो पड़ता बेले निया झुलपड़ चाल घरे निया लगवा नहीं आशंका घारी ग्रामवासी को हाथी कौन बालू कौन सब पलि आस गछ भी कटा होमती सब चरा भूमि असुविधा होसुविधा अटोमेटिक गाँ मुहां होती लोकों सागर आबुड़ लोक भी खर्चांत हो विशेष कारण ये शिकारी जो निया लगे दौंती कि बण को जी झाटीमाटी आने जा पत्र तोलियापाई से लगे दौरान विशेष कारण यहाँ कौन कर माफिया सब आसिक शिकार कि काठवाला एमती आसुंच आसिक देखुं नटा है नटा हवा फल से शिकारवाला भी कहते नटा हेल्ला आम शिकार पाइबू ना कि काठवाला कहले काठ आम हाँ पारना से गाँव आस लगे दूसरे पहाड़ उपरे जीवजंतु जो अच्छा जे छुटिया साप बेंग ये सब मरी जाऊँ पोड़ी आलु कि आउसी बाराफारा आसी हाथी फाती जो आसे खाई पा ना तेणु तल आड़ को गाँ को पलाऊँ जीवजंतु कहीं गाँ मुआ होगी आम आस पहुँचल बालेश्वर शाड़बणी गाँव में सेठिकार स्थानीय लोक मैंने आमको पूरा चित्र देखा कहीं जीवजंतु गाँ मुआ होती लोक मान आक्रमण करसतु जवा जंगल भितर
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଭାଲୁବସା ପାହାଡ଼ର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆମେ ଚଢ଼ିଥିଲୁ। ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ପାଉଁଶ ହିଁ ପାଉଁଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ କାଠ ମାଫିଆ ଓ ଶିକାରୀ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହାତୀ ଓ ଭାଲୁଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି କେତେବେଳେ ଯେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ତ କେତେବେଳେ ଲୋକେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିରୀହ ଜୀବର ଜୀବନ ନେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବନ ବିଭାଗ ନଜର ରଖିବା ଜରୁରୀ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏଭଳି ବିପଦ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତେ ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଲୋକେ ଏହି କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜର ମନୋହର ଖାନ। ହଁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ତ ଯେତକ ବି ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ତ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଇଯିବେ ନା, ଗାଁକୁ ଯିବେ କି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଅସୁବିଧା କରିପାରନ୍ତି, ଘର ପଶିକି ଧାନ ଚାଉଳ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ବି କରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ଯେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କିଛି ପାଇଁ ଆମକୁ କର, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କାରଣରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଶିକାର ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନା କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଶିକାର ପାଇଁ ନିଆଁ ବି ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶିକାର ପାଇଁ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏହାର ଫୁଟିଲ ଯେ ଗୋଟେ ପଟର ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଶିକାର ହେବ ସେମିତି ନଜର ଆମର କିଛି ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମଣିଷମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବିନା କାରଣରେ, କିଛି ଆମର ଅଳ୍ପ ବୟସ ପିଲାମାନେ ବିନା କାରଣରେ କିଛି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜାଳେଣୀ କାଠ ପାଇଁ ବି କିଛି ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାଠ ମାପିଆ ମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଯେ କାଠ କାଟିବା ସେଇଟା ବି ଆମ ନଜରକୁ ସେମିତି କିଛି ଆସିନାହିଁ, ସେଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବଜନ୍ତୁ କାହିଁକି ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସୁନଚଡ଼ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଶାଳବଣୀ ଗାଁରେ। ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା, ମାଫିଆମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପଶୁ ଶିକାର ପାଇଁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କାଠ ମାଫିଆମାନେ ଗଛ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଯଦି ବନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଶିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାନ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଶାଳବଣୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ ସହିତ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା ଓ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତିଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅଡୁଆରେ ଚାଷୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ମରିଚପୁର ଗାଁରେ ଶୁଖିବାକୁ ବସିଲାଣି ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି। ଚାଷୀମାନେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିଥିଲେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଜମା ହୋଇନି ଟଙ୍କା, ଫଳରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ? ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରୁନି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ, ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଏକର ଏକର ଜମିକୁ ମାଡ଼ି ପାରୁନି ପାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମରିଚପୁର ଗାଁ। ଗାଁରେ ଏକର ଏକର ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ନୃସିଂହନାଥ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଜରିଆରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମିକୁ ସିଧା ପାଣି ଆସିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟିର ସଭାପତିଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସଭାପତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗକୁ ବିଲ୍ ଦେଇନଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ନ ପାରି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଧାନ କାଣା ହେବା, ଆଉ ସବୁ ତ ମରିଗଲା, ଲାଇନ୍ କାଟି ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ପଇସା ଆମନୁ ନେଇଯାଇଛନ୍, ଆଉ ଧାନ ମରିଗଲାନ, ବୋଲେ ଆମେ ଲାଗ ଭାଗ କରିକି ଚାଷବାସ କରିଛୁଁ, ଆର୍ କାଁ କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଃଖ ସୁଖ ମରୁଛୁଁ, ଇଟା ଚିନ୍ତାରେ ମରୁଛୁଁ। ପଇସା ପେସିଡେଣ୍ଟ ନେଲା, ପେସିଡେଣ୍ଟ ନେଇଛେ, ଆଉ ଲାଇନ୍ ନାଇଁ ଦେବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଧାନ ମରିଯାଉଛେ, ସବୁ ମରିକିରି ପାଳ ହେଇଗଲାଣି। ଥାନା ବି ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଲାଗ ଭାଗ କରିକି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁଁ। ଚାଷ ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫ୍ରାକ୍ଟର ଜୁତେଇ ଜୁତାକେ ଲାଗ ଭାଗ ଆଣିକିରି କରିଛୁଁ ପରେ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ପଡ଼ିଲା ବେଲ୍କେ ଧାନ ସେଟା ମଟର ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ସେ ତୁମ୍ବରେ ରହିଛେ, ତାଲା ଚାବି କାହାକେ କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ। ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତିଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ଶୁଖିବାକୁ ବସିଲାଣି ଚାଷୀଙ୍କ ଝାଳ ବୁହା ପରିଶ୍ରମ। ଏନେଇ ଚାଷୀମାନେ ବୀର ମହାରାଜପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ସଭାପତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କମିଟିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷ ତ ରହି ସାରିଛୁ ସାର୍,
ଖୋଜିକିରି ସବୁ ସାର ତିନି ନମ୍ବର ବୁଲ ମାରି ସାରିଲୁନ, ଧାନ ପୁଟରାପୁଟି ହେଇ ସାରିଲାନ, ଇଏ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପାଣିର ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ସଭାପତି ସମସ୍ତ ବେହେରା, ଚାଷୀମାନେ ଡାକିକିରି ଆମେ କହୁଛୁ ବି ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ, ମିଟିଂ କଲାବେଳକେ ସେ ପଇସା ଦିଅ ବଲା ପଇସା ଚାଷୀମାନେ 70% ପଇସା ଦେଇସାରିଛନ୍, ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଇଏ ବୁଝେଇ ନାହିଁ, ତାପରେ ଦେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲେ ଆସିକି କାଟିଲେ ଯେ ତୁମର ବିଲ୍ ବୁଝ, ନହେଲେ ତ ଆମେ ଲାଇନ୍ କାଟୁଛୁ। ମୋତେ ତ କମିଟି ଯେ ତ କନ୍ସର୍ନ ହେଇଛି ଯେ ଯେ ପଇସା ତ ବାଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ହବ, ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସୁନା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଦେବା, କମିଟି ଆମକୁ ପଇସା ଦେବେ, ପଇସା ଦେବେ ରସିଦ ନେଇକି ଯିବେ ଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ିବେ, କମିଟି ପଇସା ଦେଲେ ପଇସା ଯେ ପଇସା ଦେଲେ ଯାଇକି ଲାଇନ୍ ପାଇବେ ହବ। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଗଠନ ହୋଇଛି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ? ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ଅର୍ଥ ଚଳୁ କରୁଥିଲେ ବି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଥିଲେ ବି ନିଆଯାଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।